नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन D3 की समस्या से। और काफी पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं कि पीठ दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द की समस्याओं से लेके, और उनको काफी डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ट्राई किया होता है, बट तकलीफ कम नहीं होती है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं एक्सरे करेंगे, जांच करेंगे, कुछ खून की जांच करेंगे, जिसमें हम आजकल काफी कॉमनली विटामिन D3 और विटामिन B12, ये विटामिन्स की कुछ कमी है क्या, ये देखते हैं। तो क्या होते हैं ये विटामिन D3? विटामिन D3 ये प्रो हार्मोन है, और ये हम हमेशा कहते हैं कि नैसर्गिक, जो रूप हम कहते हैं कि सनलाइट, नॉर्मल सनलाइट की वजह से हमें ये मिलता है। आजकल लॉकडाउन फेज है, आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आजकल छोटे बच्चे भी बाहर नहीं जाते, ऑफिस में भी हम ऑफिस में जब भी जाने वाले हैं तो कार या बस में जाते हैं, तो देर इज नो एक्सपोजर। आजकल हम बहुत कम चांस हमें मिलता है कि कुछ नेचुरल नैसर्गिक सनलाइट मिलने का, और दैट इज वन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर विटामिन D3 डेफिशिएंसी। ये सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि हमें बहुत कम एक्सपोजर सनलाइट का मिलता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत कम मेटाबॉलिज्म होता है और विटामिन डी की समस्या काफी कॉमनली दिखने मिलती है। दूसरा कारण है कि आजकल हम बहुत लो फैट्स, लो कोलेस्ट्रॉल फूड और डाइट लेते हैं, जिसकी वजह से भी शायद विटामिन डी मेटाबोलाइज नहीं होता है, और ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि काफी पेशेंट्स बैक पेन, फटीग ऐसा कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा फैटी और कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं हम ये विटामिन की कमी ठीक करने के लिए? ये अगर फटीग पेन है, वीकनेस, लेथार्जी, कुछ करने का मन नहीं है, तो सबसे बेसिक इसके लिए हमें है कि फूड सप्लीमेंट जो नॉर्मली हम घर में लेते हैं, क्या बेसिक फूड सप्लीमेंट्स वेजिटेरियंस को मिल सकते हैं? यस, वेजिटेरियन फूड में भी काफी अच्छा सप्लीमेंटेशन हमें मिल सकता है, कि जैसे हम कहते हैं कि कर्ड्स आर वेरी गुड, ऑरेंज जूस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन D3। फिर चेडार चीज, ये भी बहुत यूजफुल होता है हमें विटामिन डी देने के लिए। सोया फूड, योगर्ट, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। सोया टोफू, ये सब चीज हम अगर यूज करेंगे तो नेचुरल वेजिटेरियन फूड में भी हमें विटामिन डी अच्छी तरह से मिलता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग, नॉर्मली हम एग जब भी कहते हैं तो एग व्हाइट क्या ऐसा पूछते हैं, बट एग व्हाइट इज गुड फॉर प्रोटीन्स, बट एग योक इज गॉट विटामिन D3। तो जो येलो है अंडे के अंदर का, उसमें विटामिन डी होता है। और फिश या फैटी फिश या सॉल्मन फिश, वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये है नेचुरल और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस फॉर विटामिन D3। बट अगर किसी को काफी विटामिन डी की कमी है तो क्या हो सकता है? हम छोटे बच्चों को जब भी हम देखते हैं कि जिनमें बोन्स बहुत वीक है, बोन्स डिफॉर्म होने जा रहे हैं, उसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स इज अ डिसीज बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंड इसके लिए हमें जांच करना जरूरी है, उसका प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस, निदान होना चाहिए, और उसको अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देने के बाद ये रिकेट्स, ये बीमारी बच्चों की हम ठीक कर सकते हैं। तो वही रिकेट्स जैसे बच्चों में होता है, तो एडल्ट्स में हम उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसका मतलब है कि बोन में विटामिन डी की कमी और उसकी वजह से होने वाली सब समस्या, कि जिसमें बोन वीकनेस, कुछ करने की इच्छा नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज्यादा है, बोन ब्रिटल होने की वजह से फ्रैक्चर्स होने का चांस ज्यादा है, ये सब चीज विटामिन डी अल्टीमेटली का मेटाबॉलिज्म विद कैल्शियम और उसकी भी कमी, इसकी वजह से होता है। तो ये हमें जानना चाहिए, अगर तकलीफ कम नहीं हो रही है तो आपके घर के पास कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके जांच कीजिए। वंस यू आइडेंटिफाई, देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच कैन बी डन। नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स तो है ही, एक्सरसाइज से भी स्नायु और बोन्स हम स्ट्रांग रख सकते हैं, और व्हेन यू हैव डेफिशिएंसी, जब भी आपके पास डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स के पास दवाइयां और इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसके हम ये विटामिन की डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं। नॉर्मल डोज क्या होता है, ऐसा हमें काफी पेशेंट्स पूछते हैं। तो बच्चों के लिए 300 to 500
micrograms is a good dose, and for adults normally 600 to 800 micrograms is adequate dose. और काफी दवाई आजकल 1000 की यूनिट्स में आती हैं, और जब ये ऑस्टियोपोरोटिक और बोन्स बहुत वीक हैं, अबाउ 50 द रिकमेंडेड डोज इज स्लाइटली मोर, यू कैन गो अप टू 2000 माइक्रोग्राम्स पर डे, एंड यू नीड टू चेक एट अप्रोप्रिएट टाइम. आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सेस विटामिन डी भी होना ये अच्छी बात नहीं है. थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग. थैंक यू.